नमस्ते साथियों, आइए आज के इस कालखंड में इस वीडियो में जानते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे देखें, साथ ही उसे प्रिंट कैसे कराएं। साथियों, विगत वर्ष जो विद्यार्थी हम शिक्षक साथियों के विद्यालय में अध्ययनरत थे और उनका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म हमने भरा था और उनकी परीक्षा 11 अगस्त को होना है और एडमिट कार्ड इंटरनेट पर उपलब्ध हो चुके हैं और अपने विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड किस तरह से हम अपने मोबाइल के माध्यम से देखेंगे और साथ में प्रिंट कराएंगे, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। और यदि इस वीडियो को हमारे पालक बंधु देख रहे हैं और उनके बच्चों ने यदि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा है तो वे भी किस तरह से एडमिट कार्ड को अपने मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं, जान पाएंगे। साथियों, आप लोगों को विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड देखने के लिए और प्रिंट कराने के लिए जो आवश्यकता होगी तो वो आवश्यकता होगी जो हमने फॉर्म भरा है विद्यार्थियों का, तो उस समय हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म निश्चित तौर से हमारे पास में होगा और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी, साथ ही बच्चे के डेट ऑफ बर्थ अर्थात उसके जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। इन दो जानकारियों की आवश्यकता होगी और इसी आधार पर हम आसानी के साथ में एडमिट कार्ड अपने मोबाइल के माध्यम से ही देख पाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर गूगल सर्च एड्रेस बार, इस पर आपको टाइप करना होगा। मैं टाइप कर देता हूं NVSEN Entrance लिखूंगा। देखिएगा यहाँ पर EN लिखने के पश्चात ही लिखकर आ चुका है सर्च लिस्ट में NVS Entrance एग्जाम्स क्लास 6। इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं करता हूँ क्लिक, और क्लिक करने के पश्चात साथियों देखिएगा जो साइट्स खोलकर सामने आ रही हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लें और यहाँ पर देखिएगा navoday.gov.in, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय समिति, इसी पर आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर जो इंटरफेस खुलकर आ रहा है, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति, है ना, और एक सूचना लिखी हुई है, तो साथियों इसको कट कर देना है। जो राइट साइड में ऊपर क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देना, ये हट जाएगा। और हटने के पश्चात आप देखिएगा यहाँ पर ब्लू पट्टी का दी गई है अर्थात नीली पट्टी दी गई है, और नीली पट्टी में लेफ्ट साइड में 3 बार दिखाए गए हैं बॉक्स के अंदर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर ले इसी को, तो देखिएगा यहाँ पर JNVST क्लास 6 एडमिशन लिखा हुआ है, इसी पर आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो चलिए साथियों मैं क्लिक कर देता हूँ, मैंने क्लिक किया ये, और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलकर आया है और बीचों बीच में देखिएगा नीचे साइड में क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इसी पर साथियों आपको क्लिक कर देना है और इसी के माध्यम से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। मैं क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आए हैं, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड और फिर अन्य ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो साथियों हमें इस कालखंड में जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड एडमिट कार्ड पर मैं क्लिक कर देता हूँ, मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के पश्चात साथियों इस तरह का इंटरफेस, इस तरह का पेज खुलकर आएगा और यहाँ पर देखिएगा जो पेज खुलकर आया है जानकारी भरने के लिए, यहाँ पर हमको स्क्रॉल राइट स्क्रॉल लेफ्ट करना पड़ रहा है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं 3 डॉट्स, इन 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के पश्चात डेस्कटॉप साइट का जो मोड दिया गया है और यहाँ जो बॉक्स दिया गया है इस पर क्लिक कर देंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा और हम पुनः फिर ये डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है जी, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको जो जानकारी फुलफिल करना है, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी और बच्चे के डेट ऑफ बर्थ की। तो आइए साथियों मैं किसी एक बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको इंटर कर देता हूं। रजिस्ट्रेशन नंबर को इंटर करने के पश्चात नीचे देख रहे हैं आप डेट ऑफ बर्थ के लिए बॉक्स दिया गया है और विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको फुलफिल करना है। साथियों आपको सीधे यहां पर टाइप नहीं करना है, बल्कि क्या करना है,
आपको जो बाजू में दिया गया कैलेंडर है राइट साइड में, इस पर क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूँ और कैलेंडर पर जैसे हम क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा, किंतु यहाँ पर लिखा हुआ है जुलाई 2021। मैं थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा जुलाई 2021 लिखा हुआ है, किंतु हमारे विद्यार्थियों की डेट ऑफ बर्थ 2011 2012 सन की हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जो जुलाई 2021 लिखा हुआ है इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो 2021 लिख कर आ चुका है, और राइट साइड और लेफ्ट साइड में एरो के चिन्ह दिए गए हैं। तो साथियों आपको लेफ्ट साइड में एरो के चिन्ह पर क्लिक करते जाना है, और जो यथोचित वर्ष है बच्चे के डेट ऑफ बर्थ का उसको ला लेना है। तो बच्चे का जन्म वर्ष है 2012 है, तो मैं यहाँ पर 2012 ला लेता हूँ। देखिए ये 2012 आ चुका है, और यहाँ पर मंथ के ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चे का जन्म जिस मंथ में हुआ है उस मंथ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं जनवरी पर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे हमने जनवरी पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं, और जिस भी डेट को बच्चे का जन्म हुआ है उस डेट पर क्लिक कर देना है। मैं 14 पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह साथियों ये बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, उसको हमने प्रविष्ट कर दिया है। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, और कैप्चा कोड को जो नीचे दिया गया बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको क्या करना है, भर देना है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा जो कैप्चा कोड है N0FJ ये लिखा हुआ है, तो ज्यों का त्यों हम यहाँ पर फुलफिल कर देंगे, ठीक है जी। मैंने फुलफिल कर दिया है, और नीचे आप देख पा रहे हैं साइन इन का बटन, इस पर आपको कर देना है क्लिक। मैं क्लिक कर देता हूँ, और साथियों क्लिक करने के पश्चात आप देखिएगा विद्यार्थी का एडमिट कार्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप भी अपने मोबाइल के माध्यम से इस तरह से विद्यार्थी का एडमिट कार्ड देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। और साथियों यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट का, है ना। तो इस प्रिंट के ऑप्शन के माध्यम से आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिंटर की आवश्यकता होगी, किसी दुकान में चले जाएं, किसी ऑनलाइन वाले की दुकान में, या आपके घर में यदि प्रिंटर रखा हुआ है तो प्रिंटर के माध्यम से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। आइए मैं प्रिंटर के माध्यम से बताना चाहता हूँ किस तरह से हम एडमिट कार्ड को प्रिंट कर लेंगे। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोबाइल में एडमिट कार्ड, और इस एडमिट कार्ड को प्रिंट करना है तो इसके लिए हमको प्रिंटर की आवश्यकता होगी, जैसा कि आप सामने प्रिंटर देख पा रहे हैं और कंप्यूटर देख पा रहे हैं। और साथियों इसके लिए आपको आवश्यकता होगी OTG की, जैसा कि आप OTG केबल देख पा रहे हैं। इस OTG केबल को बैक साइड में लगा लेना है पहले, ठीक है। और इसके पश्चात जो CPU में केबल लगी हुई, इस केबल को आपको यहाँ पर लगा लेना है इस तरह से, और देखिएगा यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन आ जाएगा। और साथियों केबल लगा लेने के पश्चात में आप देखिएगा यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इस प्रिंट के ऑप्शन पर पुनः क्लिक कर लेना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर देखिएगा ये प्रिंटर का ऑप्शन आ चुका है, और आपको यहाँ पर टैप करना है, और टैप करने के पश्चात यहाँ देखिएगा टैप टू प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, और ये एडमिट कार्ड आ चुका है यहाँ ऊपर, है ना। और यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे तो सीधे प्रिंट होने लगेगा, ठीक है। आप प्रिंटर में जाके देख सकते हैं प्रिंट होने लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, देखिएगा अब प्रिंट हो रहा है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं ये एडमिट कार्ड विद्यार्थी का प्रिंट हो चुका है, और सामने आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर, इसी पे मैंने अपने विद्यार्थियों का जो फॉर्म है उस समय फुलफिल किया था, और आज इसी प्रिंटर से मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। चलिए वापस चलते हैं। तो साथियों इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको जानकारी दी है कि किस तरह से हम अपने विद्यार्थियों का या बच्चों का एडमिट कार्ड अपने मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं और उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।